Hello everybody, welcome back to Law Protection. This is Ananya and in this video we are going to study the federal form of government versus the unitary form of government. Now to start with, let us understand ki in dono ke beech ki basic difference kya hai. When we talk about a unitary form of government, we are talking about one single unit. That means ki jitni bhi powers hai is particular form of government mein, they are being concentrated in one single authority. Whereas whenever we talk about a federal form of government, we are talking about distribution of powers that are there between the central and the state government. That means ki yahan par jo powers hai wo specifically distributed hai center mein aur state mein. Now to understand it further, agar hum ye structure dekhein to yahan par jo central government hai usi ke paas sari ki sari power hai, it holds the power. Whereas अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का देखें तो यहाँ पर देयर आर टू लेयर ऑफ गवर्नमेंट्स, दैट इज योर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अब इसकी इफेक्टिंग चेंजेस क्या होते हैं? इफेक्टिंग चेंजेस एज इन अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई चेंज लाना है तो वो किस तरीके से होता है. यहाँ पर चेंजेस अगर कोई भी लोकल बॉडीज या किसी को करना होता है, सो दे हैव टू बी डन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो ये सेंटर ही प्रोवाइड करता है, तभी आप कोई चेंज ला पाते हैं. वेर एज अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में से कोई भी स्टेट या फिर सेंटर चेंजेस ला सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफकोर्स. एग्जाम्पल्स इसके हो गए चाइना, फ्रांस, म्यांमार, सिंगापुर, यूके. वेराज अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जर्मनी, इंडिया, नेपाल, यूएस, इराक एक्सेट्रा. मूविंग फर्दर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, एज आई टोल्ड यू, इट इज बीन गवर्न्ड बाय अ सिंगल पावर, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अल्टीमेट सुप्रीम है, जिसके पास सारी की सारी पावर्स है टू डेलीगेट इट्स वर्क टू वट एवर लोकल अथॉरिटी दे वॉन्ट टू. दैट मीन्स यहाँ पर ये जो चूजेस टू डेलीगेट है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है. वेराज अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे कि आई टोल्ड यू, जो पावर है वो ऑलरेडी डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एज वेल एज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो डिविजन ऑफ पावर है वो स्पेसिफिकली मेंशन होती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. मूविंग फर्दर, बेसिक फीचर्स और डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्या हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दिस इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स इट इज difficult to amend that particular constitution. Separation of power is a very important feature of federal form of government, jo ki mentioned hai even in the constitution, aur is constitution ki supremacy hoti hai in the federal form of government. And then there are bicameral form of legislature, that means there is one center and there is one state. Unitary form of government mein there is a single government, that is your state central government. जो constitution है वो written हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. Example, Japan में मेरे ख्याल से there is a written constitution. ये constitution is comparatively flexible than the federal form of government. That means इसकी amendments बहुत easy तरीके से हो सकती है. There is no delegation, there is no division of powers, rather there is a delegation of powers between the two. That means agar center ko koi bhi apna kaam karwana hai, koi bhi apni power delegate karni hai, that is not specifically mentioned, but rather they can delegate the power to this particular state or to the particular local authority. Yahan par constitution may or may not be supreme, और जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल होता है. एज आई टोल्ड यू, देयर इज वन सिंगल सेंटर दैट ऑपरेट्स एवरीथिंग. अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है?
इंडियन स्टेट को हम अमेलगमेशन या फिर हम मिक्सचर ऑफ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसका नाम दिया गया है क्वाजी फेडरल। ये क्वाजी फेडरल नाम दिया था प्रोफेसर केसी वेयर ने, जिन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया था एज अ क्वाजी फेडरल स्टेट, जिसका मतलब है कि इसके पास दोनों पावर्स हैं, दोनों फीचर्स हैं ऑफ अ यूनिटरी एज वेल एज ऑफ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे तो इट स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दैट मींस इट इज क्लियरली मेंशनिंग दैट दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स इज फोकसिंग ऑन द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज को बोला है दैट इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स द सेंटर। फर्दर इसका एग्जांपल आप ले सकते हो एज द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिमार्केट करता है बिटवीन द डिविजन दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री लिस्ट, दैट इज योर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड अ कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ वो कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को क्वाजी फेडरल बोलते हैं? अगर यूनिटरी फीचर्स देखें, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, द स्टेट इज नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एमरजेंसी प्रोविजंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, एंड देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप। दैट मींस वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ से सपोज महाराष्ट्र और असम एक्सेट्रा। इसके फेडरल फीचर्स क्या क्या हैं? देयर इज अ ड्यूअल पावर, दैट मींस इट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर इन आवर कंट्री। देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दो द चेंजेस दे कैन बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप नहीं चेंज कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। दैट मींस एक तरीके से यू कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो होल्ड्स द फीचर्स ऑफ बीइंग अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप कि बहुत इजी तरीके से आपने समझा हो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल एंड अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Please do subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you. Bye.